तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग वीडियो बेस्ट या तो शॉर्ट वीडियो बेस्ट, यानी कि MX Tagatog रील्स जोश या ओनली फॉर यूट्यूब बेस्ट। किसमें ज्यादा वीडियो बनाना पड़ता है और किसमें जल्दी वीडियो वायरल हो जाता है और पॉपुलर क्रिएटर किसमें जल्दी मिलता है, किसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और किसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे को सबसे पहले ही देना पड़ता है, पॉपुलर होने के बाद किसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, यानी कि यूट्यूब या नौकरी कौन सा हमको करना चाहिए पहले से ही, तो आप आई बटन में आ रहा होगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रदीप, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूबर प्रदीप दा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक में से सबसे पहले हम लोग टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप एक वर्कर्स हो, यानी कि अगर किसी कहीं जगह जॉब कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो आपके लिए MX Tagatog रील्स जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें सिर्फ 30-40 मिनट में आप कोई भी वीडियो को बना के अपलोड कर सकते हैं। वहीं पे अगर YouTube की बात करें, तो अगर आप कोई काम नहीं करते हो, यानी कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो और घर का छोटा मोटा काम करते हो, तो वहीं पे आपको YouTube में लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए अच्छा कंटेंट के साथ, लाइक क्रिएशन, कॉमेडी, एक्सपेरिमेंट, ये सब वीडियो आपको बनाना चाहिए। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में आपको कितने वीडियो अपलोड करना पड़ता है डेली, तो रील्स, MX Tagatog, जोश, मोज एक्सेट्रा जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म होता है, इसमें आपको डेली के मिनिमम एक वीडियो या हो सके तो आपको दो वीडियो तक अपलोड करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वही YouTube की बात करें, अगर आप टेक कैटेगरी के चैनल में वीडियो बनाते हो, तो मिनिमम आपको वन डे में एक वीडियो अपलोड करना इमरजेंसी होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप अगर कॉमेडी क्रिएशन, एक्सपेरिमेंट या तो अनबॉक्सिंग, इसमें आपको 2-3 दिन बाद कोई एक वीडियो अपलोड करने से भी आपका हो जाता है। तो अब आ जाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले ही आपको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर YouTube की बात करें, तो आप अगर एक जगह पे वीडियो बना रहे हैं, यानी कि एक जगह जैसे मैं खड़ा होकर बना रहा हूं, तो इसमें आपके जो बैकग्राउंड होगा उसमें आप जितना खर्च करना चाहेंगे आप अपने मन से खर्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप क्रिएशन वीडियो, कॉमेडी वीडियो, एक्सपेरिमेंट, ब्लॉगर वीडियो बना रहे हो, तो मिनिमम आपके पर वीडियो में 3-4 हजार तक खर्च हो जाता है। लेकिन वही शॉर्ट के अगेंस्ट अगर कहते हैं, तो मिनिमम आपके हर एक वीडियो में आपके जो बैकग्राउंड होगा उतना ही खर्च होगा, और अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो उतना मिनिमम आपको 500 रुपया मान के चलते हैं खर्च होने वाला है। इन दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि MX Tagatog और यूट्यूब में किसमें जल्दी पॉपुलर और आपका वीडियो वायरल होता है, अगर दोनों में बात करें, तो आपका वीडियो के हिसाब से दोनों में पॉपुलर मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी आपका वीडियो अपलोड करते हैं किसमें सबसे जल्दी वायरल होता है, उसी में आपको जल्दी से जल्दी पॉपुलर मिलता है। यानी कि जिस भी आईडी में आपका ज्यादा और जल्दी फॉलोवर्स आएंगे, वो आईडी ही आपका जल्दी से जल्दी फेमस होगा। और इन सब के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत की बात करें, तो यूट्यूब वीडियो में शॉर्ट वीडियो के मुताबिक आपको 10 गुना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि YouTube वीडियो आपको 3-4 मिनट तक के वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। वहीं पे अगर शॉर्ट वीडियो की बात करें, तो मिनिमम आपको 30 सेकंड का वीडियो ही अपलोड करना पड़ता है। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म और ये लॉन्ग प्लेटफॉर्म यानी MX Tagatog और YouTube में किसमें सबसे ज्यादा बिगेस्ट अर्निंग होता है। अगर ब्रांडिंग की बात करें, तो यूट्यूब के मुताबिक आपको ये शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म में ज्यादा ब्रांडिंग यानी कि स्पॉन्सरशिप आपको ज्यादा मिलेंगे। टिकटॉक में तो मिलता था, लेकिन अभी का तो खास मालूम नहीं है। लेकिन वही YouTube का बात करें, तो आपको जितना MX Tagatog, जोश एटसेट्रा में आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, वही YouTube के एडसेंस वाला एडवर्टाइजमेंट से ही कमाई हो जाती है। ऊपर से अगर आपको किसी का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, तो जहां पे आपको सुहाने पे सुहागा जिसे कहते हैं वैसे हो जाता है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में जितना भी कमा लो एंड जितना भी आप फेमस हो जाओ, अंत में आपको यूट्यूब पे ही आना पड़ता है। तो और मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आपके पास माइंड और टाइम ये दोनों है, तो आप लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म एंड शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब और MX Tagatog दोनों में आप परफॉर्मेंस ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं आपका कब किस्मत चमके और किसमें वीडियो आपका वायरल हो जाए। तो कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा लाइक करते हो। तो आप ही लोग बताओ, यूट्यूब या MX Tagatog, हु इज द बेस्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे में रेड बटन होगा उसे क्लिक कीजिए और साइलेंट कर दीजिए, पास में बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।